नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कुट। आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। और इस समय में लालकुआ सीट से जो नव निर्वाचित विधायक बनाए गए हैं मोहन बिस्सी के साथ मौजूद, इन सब सीधे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो जनता ने उन्हें यहां से मौका दिया और जिस तरीके से कांग्रेस के सीएम पद के दावेदार को उन्होंने हराया है, अब क्या विजन लालकुआ वासियों के लिए सर का है, ये सब हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपको बधाई देना चाहूंगी, होली की शुभकामनाएं। और जिस तरीके से कद्दावर चेहरे को हरा कर अब आप भी दावर एक बड़ा चेहरा बीजेपी का बन चुके हैं सर, बहुत बहुत बधाई, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्त देवतुल्य जनता को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और उन लोगों के लिए रात दिन एक करके सेवा करूंगा। वाकई अगर हम लालकुआ की जवाब सीट की बात करें, यहाँ की जनता ने आपको पहले भी प्यार दिखाया था, 2019 में जवाब जिला पंचायत के चुनाव लड़े थे तब भी जनता ने प्यार दिखाया, हालांकि पार्टी आप पर भरोसा नहीं कर पाई थी, लेकिन अब नवीन दुमका का टिकट काटकर आपको यहाँ से पार्टी ने भरोसा करके टिकट दिया और जिसमें आपने बखूबी प्रदर्शन किया और नतीजा की आज आपने 14,000 से ज्यादा वोटों से हरीश रावत को सर हरा दिया। लेकिन अब क्या कहा जाए सर, अब लालकुआ की जो जनता है उसकी उम्मीदें आपसे है, उसकी आस आपसे, क्या आपका पहला विजन यहाँ के लिए होगा? जी हाँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास है और जनता की उम्मीदों को भी मैं जानता हूँ, जितनी आशाएं मुझसे लगी हुई हैं लोगों की, मैं मुझे उसको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। इस विधानसभा क्षेत्र की शायद ही कोई ऐसी समस्या होगी जो मेरे संज्ञान में नहीं होगी और मैं प्राथमिकता मेरी बिल्कुल तय है। मैं सबसे पहले यहाँ के युवाओं के लिए काम करना चाहता हूँ, जहाँ शिक्षित बेरोजगार हैं मैं उनको रोजगार देना चाहता हूँ, युवाओं में जो तेज़ी से नशे का चलन यहाँ पर हो रहा है मैं उसको रोकना चाहता हूँ। मैं इस लालकुआ क्षेत्र में जो अपना बिंदु खत्ता का क्षेत्र है उसको राजस्व गांव का लंबे समय से पुरानी मांग है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मेरा तय है कि ये जो अपना हाईवे से जुड़ी समस्या हो, चाहे इस क्षेत्र में जो जंगली जानवरों का और हाथियों का आतंक है उससे समस्या हो, गोला से जुड़ी हुई समस्या हो या जो इंदिरानगर से निकलने वाला गंदा नाला हो, ये सब मेरी टॉप प्रायोरिटी में है और मैं एक एक करके इन सब का निस्तारण करूंगा। 5 साल पूरे होते होते लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काम बाकी नहीं बचेगा। बाकी आपने मेरे सारे सवालों का जवाब पहले दे दिया, मैं भी आपसे सवाल करने वाला था क्योंकि यहाँ पर जो बिंदु खत्ता जो गांव है पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है, जहाँ पर समस्या है सिंचाई की, पशुओं की, आवारा पशुओं की, जो कि आपने कहा कि इसका निस्तारण किया जाएगा, बहुत बेहतर है। लेकिन सर जिस तरीके से आपने एक बहुत भारी जीत यहाँ से हासिल की, लेकिन अब जो सीएम पद को लेकर लगातार जो तनातनी का माहौल देहरादून से लेकर दिल्ली में बना हुआ था, हालांकि आपसे लेकर तमाम ऐसे कई अन्य विधायक भी जो अपनी सीट खाली करने को तैयार है, लेकिन सर क्या कहा जाए, इतना समय आपके हिसाब से क्यों लग रहा है, क्यों आलाकमान किसी एक चेहरे पर मुहर नहीं लगा पा रही? देखिए, ये बहुत ऊंचे स्तर की बात है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, ये तो हमारे पार्टी हाईकमान को तय करना है, उनके निर्णय पर विचार विमर्श हो रहा होगा। और चूंकि हमारा जो नेतृत्व है जो वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है और बहुत दूर की सोच के वो लोग काम करते हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से जो है जब बहुत सोच समझ के कोई काम होता है तो अच्छा ही होता है और निश्चित रूप से अच्छा होगा। और जहां तक हमारी लालकुआ विधानसभा की बात है, ये इस क्षेत्र में तो मोदी जी को भरपूर, मोदी जी का यहाँ आशीर्वाद मोदी जी का मिला है और जो है निश्चित उन पर पूरा भरोसा भी है, जो भी वो निर्णय लेंगे बहुत अच्छा निर्णय लेंगे। तो मतलब सर, ये जो जीत आपने की है सिर्फ मोदी के नाम पर या आपके काम के नाम पर है? काम के नाम पर जाहिर तौर पर है। देखिए, मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है और काम मोदी जी के काम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी जो वर्तमान प्रदेश सरकार है इसने जो इसके जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और इस क्षेत्र में मैंने भी लंबे समय से लोगों के साथ संपर्क बना के उनसे रिश्ता बनाने का, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, उनसे साथ मैंने छोटे छोटे काम में उनकी सहयोग करके उनको भी मैंने एक वो किया है, तो वो भी एक फैक्टर है और इसी तमाम फैक्टरों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है, तो यही सब चीजें हैं। शुक्रिया सर आपका। तो मोहन भी हमारे साथ मौजूद, इनका साफ तौर पर ये कहना था कि छोटी छोटी जो चीजें उनको गौर किया गया पर लालकुआ सीट पर, यही दरअसल बड़ी वजह की जनता ने साथ दिया है और इतना भारी बहुमत से जनाधार दिलाकर हरीश रावत की जो कड़ी टक्कर है मोहन भी यहाँ पर थे उनको जिताकर साफ तौर पर एक बार फिर से यहाँ के नेता के रूप में चुना है। लेकिन फिलहाल इन तमाम बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।